सभी को मेरा नमस्कार। अपनी लास्ट वीडियो में हमने कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने सिंचाई तक पढ़ा था। आज हम खरपतवार से सुरक्षा से शुरू करेंगे। खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार है क्या? खरपतवार वो अवांछित पौधे हैं जिनकी फसल को ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने आप उग जाते हैं और जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा करते हैं। किसके साथ? फसल के साथ। जो फसल के हिस्से के जल, पोषक, जगह या प्रकाश हैं, उनको ये अवांछित पौधे स्पर्धा करते हैं और ये इनको जल को, पोषक को, जगह को, सबको ले लेते हैं। अब इससे क्या होगा कि जो फसल की वृद्धि है उस पर प्रभाव पड़ेगा। जितना पोषक उसके लिए था उसमें से अवांछित पौधों ने भी ले लिया तो उसकी वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा, है ना। ये अवांछित पौधे जब हम फसल की कटाई करते हैं तो उसमें भी बाधा डालते हैं और मनुष्य और पशुओं के लिए ये विषैले भी हो सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इनको खेत में से निकालना है और इसको हम कहते हैं निराई। खेत से खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। हम ये निराई कैसे करें, कब करें? तो फसल उगाने से पहले अगर हमने खेत को जोत दिया हल की सहायता से तो क्या होगा, ये सारे खरपतवार निकल जाएंगे। इनको फिर खेत में ही छोड़ दिया जाता है और वो खाद बन जाएंगे। पर इसका सही टाइम क्या है कि जब इन खरपतवार में पुष्पण आना हो, फूल आने हो और बीज बनने से पहले हमें ये करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, ये बीज फिर जैसे ही हमने खेत को जोता ये बीज सारे फिर हमारी मिट्टी में आ जाएंगे और दोबारा उग जाएंगे। तो इनको इससे पहले ही हमें खेत को जोतना पड़ेगा। फिर अगर ये उग गए हैं तो हम इन्हें हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर भी फेंक सकते हैं। खुरपी की या हैरो जैसे सीड ड्रिल की मदद से भी हम इनको उखाड़ कर फेंक सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि रसायनों के उपयोग से इन जो ये रसायन हैं इनको कहते क्या हैं, खरपतवार नाशी, जो कि खरपतवार का नाश करें। ये रासायनिक पदार्थ हैं, हम इनका उपयोग करके भी इनको हटा सकते हैं। जैसे एक खरपतवार नाशी है 2,4-D, तो इसका छिड़काव कर देते हैं और ये उससे क्या होते हैं, सारे मर जाते हैं और इसका फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका छिड़काव करते समय किसान को ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये जहरीले हैं उसके लिए, तो उसे मुंह को और अपनी नाक को ढकना चाहिए। जैसे ये देखेंगे, ठीक है ना, इसने अपना मुंह और नाक को ढक के फिर इसको ये खेती में छिड़काव कर रहा है। अब ठीक है, फसल हो गई, उसके बाद हमारी खरपतवार से सुरक्षा भी हो गई। अब हमारी फसल तैयार हो गई और हमें उसको काटना है, इसको हम कहते हैं कटाई। पक जाने के बाद फसल को काटना, जैसे अनाज की फसल जो है वो 3-4 महीने में पककर तैयार हो जाती है। अब हम इसे कैसे काटेंगे, दराती या हार्वेस्टर से इसकी कटाई करेंगे, ठीक है। अब कटाई कर ली, कटाई के बाद अगला स्टेप आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है, दानों को भूसे से अलग करना। इसको कंबाइन द्वारा अलग किया जा सकता है। कंबाइन एक मशीन है जो थ्रेशर का काम भी करती है और हार्वेस्टर का काम भी करती है, इसीलिए इसको कंबाइन मशीन कहते हैं। ये कंबाइन मशीन है, ये कटाई भी करेगी और फिर दानों को भूसे से अलग भी करेगी। अब छोटे किसान जो हैं वो कंबाइन मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बड़े खेतों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। छोटे किसान अनाज के दानों को फटक फटक कर, जिसे हम विनोइंग कहते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में, सातवीं क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना, पृथक्करण की विधियाँ में, तो उसको अलग करते हैं। इसके लिए वो विनोइंग मशीन का भी सहारा ले सकते हैं या हाथों के द्वारा भी इसको अलग कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई कटाई। अब कटाई के बाद आता है, कटाई हो गई, फसल दाने अलग हो गए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, भंडारण। जब हमने फसल को काटा है, बीज ताजे हैं तो उनमें नमी होती है
और जब नमी होती है तो उस पे जीवाणुओं का या सूक्ष्म जीवों का, कवक का, उसके ऊपर उगना वो शुरू हो जाते हैं, ये उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, उस पे असर कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर कवक फंजाई लगे देखा होगा ना, काली काली लग जाती है, तो क्यों लगती है? नमी के कारण। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बीजों को सुखाना है, जो हमारी ताजी फसल है उसको सुखाना है, उसकी नमी को दूर करना है। इससे हम उसको कीटों से, चूहों से, कवक से, जीवाणुओं से, जो सूक्ष्म जीवी हैं उनसे हमें सुरक्षित रखना है अपनी फसल को। तो भंडारण के लिए किसान जूट के बोरे का इस्तेमाल करता है या धातु के बड़े पात्रों का भी इस्तेमाल करता है। पर जब हमें भंडारण करना है, ज़्यादा बड़े पैमाने पे भंडारण करना है, तब क्या करता है वो, तब या तो साइलों की मदद ली जाती है या भंडार गृहों में इसका भंडारण करते हैं। अब साइलो क्या है? साइलो ये इस टाइप के बड़े बड़े ड्रम जैसे होते हैं जिसके अंदर अनाज को सुखा के भर दिया जाता है और ये अनाज बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो क्या हुआ कि हमने इसको साइलो में भर दिया और या फिर किस में करा भंडारण, भंडार गृह में किया, रासायनिक उपचार किया जाता है भंडार गृह में, क्योंकि अनाज बहुत सारा होता है तो इसको रासायनिक उपचार किया जाता है जिससे अनाज हमारा खराब ना हो जाए। लेकिन जब हम घरों में भंडारण करते हैं तो नीम की सूखी पत्तियां उसमें डाल देते हैं और उससे ही कीटों से उसका बचाव हो जाता है। तो भंडारण के लिए किसान या तो जूट के बोरे या धातु के बड़े पात्र का उपयोग करेगा अगर अनाज बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर हमें भंडारण करना है तो साइलों से या भंडार गृहों में करेंगे और इस तरह से हमने अपने बीजों को पीड़कों से, चूहों से या कीटों से सुरक्षित रख लिया। अपना भंडारण करने के बाद हमारी कृषि पद्धतियां जो हैं ये हमारा उसका लास्ट स्टेप है और हमारे पास हमारी फसल तैयार होके आ गई और भंडारण भी उसका कर लिया। इसी पार्ट में अंत में आपको थोड़ा सा बताया हुआ है कि जंतुओं से भोजन, हमें ये कृषि से फसलों से तो भोजन मिलता ही है लेकिन हमें जंतुओं से भी भोजन मिलता है। जैसे अंडे हैं, मांस है, मछली है, मछली का तेल जो है उसमें बहुत विटामिन डी होता है, कॉड लिवर ऑयल उसको कहते हैं, घी है, पनीर है, मक्खन है, बहुत सी चीज़ें बनती हैं दूध से। अब जो दूध है वो हमें किन किन जानवर से मिलता है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँटनी, ये सब दूध देने वाले जानवर हैं। तो जैसे फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, हमने ये 7 चरण उसके पढ़े हैं, वैसे ही घरों में अथवा फार्म पर जो पालने वाले पालतू पशुओं हैं उनको उचित भोजन की, उनके उचित आवास की और उनको उचित देखभाल की भी आवश्यकता होती है। और जब हम ये बड़े पैमाने पर करते हैं, बहुत सारे जानवरों को एक साथ रखते हैं, तो इसे हम कहते हैं पशुपालन। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका अध्याय ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।